नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देखते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने अध्यात्म ज्ञान और शिक्षा की तपोभूमि उत्तर प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की दी अनेकानेक शुभकामनाएं। कहा, मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प यात्रा में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस पूरी भव्यता के साथ किया आयोजित। और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से किया जाएगा सम्मानित। पीएम ने ट्वीट कर कहा, ये न केवल उनके अतुलनीय योगदान का सम्मान बल्कि इससे समरसता को मिलेगा और बढ़ावा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा, मेरा बिहार के लोगों की तरफ से केंद्र सरकार को धन्यवाद और इसे राजनीति के रूप में से नहीं देखता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के निर्णय के लिए केंद्र सरकार की प्रशंसा। सीएम ने इस सम्मान को वंचितों, शोषितों और उपेक्षितों के लिए किए गए कर्पूरी ठाकुर के योगदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताया। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और बंगाल में। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन रामलला के दर्शन के लिए रामपथ पर भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। श्रद्धालु कर रहे हैं मंदिर में रामलला के दर्शन। श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन अयोध्या में उमड़े लाखों श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड जीरो पर कमान खुद संभाली। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन सुबह से ही राम मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंचना शुरू हो गई है। हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर पुलिस की तैनाती जिसे देखते हुए बढ़ाई गई। राम मंदिर में तीर्थयात्री सुविधा केंद्र बुधवार से शुरू हो जाएगा। इसमें 50,000 श्रद्धालुओं को वेटिंग एरिया के साथ लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोई भी श्रद्धालु मोबाइल या कोई अन्य सामान लेकर मंदिर में नहीं जा पाएगा। 4 फरवरी को अयोध्या आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। परिवार के साथ रामलला के करेंगे दर्शन। अमित शाह का कल का अयोध्या का दौरा हुआ रद्द, अब 4 फरवरी को आएंगे अयोध्या दौरे पर। और अगले महीने संभावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि उद्यमियों को हर संभव मदद अधिकारी उपलब्ध कराए। अयोध्या के श्री राम मंदिर में विराजमान प्रभु राम की मूर्ति पर सुशोभित आभूषण बरेली के सुनारों ने तैयार किए हैं। बरेली ज्वेलर मोहित मित्तल को ट्रस्ट द्वारा आभूषण बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की बड़ी कार्रवाई। नोएडा तालिबानी सजा के मामले में 5 पुलिस कर्मचारी किए गए सस्पेंड। 2 दिन पहले सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के बरौला में युवक की बर्बरता से हुई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी की अंतिम सूची। उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं की अंतिम मतदाता सूची तैयार। आयोग का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 पूरा हुआ। मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु चलाया गया था विशेष अभियान। श्रद्धालुओं के लिए चलाई जाएगी मेमू स्पेशल ट्रेन। राम मंदिर में दर्शन करने वालों के लिए स्पेशल ट्रेन। 25 जनवरी से श्रद्धालुओं के लिए चलेगी मेमू स्पेशल ट्रेन। अयोध्या कैंट से राजधानी लखनऊ के लिए मेमू ट्रेन का संचालन। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड के लिए यूपी की भव्यता झांकी तैयार है। विकसित भारत और समृद्ध विरासत इस झांकी की थीम है। झांकी में अयोध्या का दिव्य भगवान राम मंदिर और बादवा नृत्य को दर्शाया गया। बुलंदशहर में पीएम मोदी की होने वाली रैली को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। पीएम मोदी के जनपद आगमन को लेकर एडीजी जोन मेरठ डीके ठाकुर ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिता किसान और मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बेटे माधव उपाध्याय ने अपनी मेहनत से बिना कोचिंग के यूपी पीसीएस के सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा में 10वीं रैंक की हासिल। और शीतलहर और कोहरे की चपेट में उत्तर भारत अगले 3 दिन तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक घने कोहरे का जताया अनुमान। उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड जारी।
और अब समाचार विस्तार से। आज बालिका दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालिका दिवस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने संदेश में कहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम बालिकाओं की अदम्य भावना और उपलब्धियों को सलाम करते हैं। हम सभी क्षेत्रों में प्रत्येक बालिका की समृद्ध क्षमता को भी पहचानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह परिवर्तन निर्माता हैं जो हमारे देश और समाज को बेहतर बनाते हैं। पिछले दशक में हमारी सरकार एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयास कर रही है जहाँ हर बालिका को सीखने, बढ़ने और कामयाब होने का अवसर मिले। विद्यार्थियों के जीवन से तनाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम से छात्रों को काफी लाभ मिला है। किस तरीके से बदलाव आया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कभी परीक्षा के तनाव से परेशान रहा करने वाले छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल नई सुबह बनकर आई। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत इन छात्रों से संवाद का सिलसिला शुरू किया, जिसके नतीजे हैरान करने वाले थे। पीएम ने छात्रों को जो सुझाव दिए उनसे न केवल तनाव से मुक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायता मिली, बल्कि छात्रों के परीक्षा परिणाम भी बेहतर हुए। परीक्षा पे चर्चा के पिछले संस्करणों में हिस्सा ले चुके छात्र पीएम के इस संवाद को परीक्षा का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए बहुत कारगर मानते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि लाइफ में क्या चलेगा, क्या होगा, ट्वेल्थ क्लियर भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जब मैं उनसे मिला, वो वहाँ पे जो बातें उन्होंने बताई वो बहुत दिल के अंदर तक गई, और उसके बाद तो मैंने 12th का एग्जाम बहुत ही कॉन्फिडेंटली दिया। बच्चों के दिल तक जाते हैं वो, बच्चों की समस्याओं तक जाते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। तो इससे क्या है, बच्चों के दिमाग में बहुत क्लैरिटी आती है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा ने छात्रों के मन को असफलता के डर से मुक्त करने में बहुत मदद की है। पीएम ने छात्रों को समझाया कि वो अपने शत प्रतिशत प्रयास सुनिश्चित करें और परिणामों से जुड़ी किसी भी आशंका या भय को परीक्षा कक्ष के बाहर ही छोड़ दें। मुझे ये पता नहीं था कि मुझे देश के प्रधानमंत्री जी से इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, और ना ही मुझे ये पता था कि वो इंटरैक्शन मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। एग्जाम स्ट्रेस के दौरान अगर प्रधानमंत्री जी से इंटरैक्ट करें तो ऐसा लगता है कि पूरा देश हमारे पीछे, हमारे साथ खड़ा है, और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगती है। पीएम ने परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से छात्रों की फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर लगातार बल दिया है। पीएम ने इस संवाद के माध्यम से रेखांकित किया कि परीक्षा से जुड़े भय और आशंकाओं को चुनौती नहीं बनने देना चाहिए। पीएम के ऐसे सुझावों से छात्रों को बहुत लाभ मिला। मेरा प्रश्न ये था कि अगर मेरा एक पेपर अच्छा नहीं जाए तो मैं अपने मित्र को किस तरीके से मोटिवेशन दूं। इस पर उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर एक पेपर अच्छा नहीं जाता है तो कोई नहीं, अगले पेपर में उस गलती पर ध्यान देते हुए, जो गलती जहां पर करी थी उस पर ध्यान के उसको सुधार के अच्छे से अगला पेपर दे। उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और मेरे को मित्र को जो मोटिवेशन देता उससे बहुत काफी मोटिवेशन मिला। परीक्षा पे चर्चा वो संवाद है जो आज घर घर तक पहुँच चुका है। देश भर के छात्र परीक्षा से ठीक पहले पीएम के इन बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा करते हैं, ताकि अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव का सामना अधिक आत्मविश्वास से कर सकें। परीक्षा पे चर्चा में शामिल रह चुके छात्र मानते हैं कि उनका अनुभव शानदार रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा कि विभिन्न भाषाएं सीखने के लिए विभिन्न माध्यमों से हमें भारत का इतिहास, संस्कृति और विरासत जानने की आवश्यकता है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं, जिनके कारण आज मैं विभिन्न भाषाएं सीख सकी हूं। 2018 में शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा का सफर आज देश के छात्रों के लिए सफलता के मंत्रों का खजाना बन चुका है। आज न केवल छात्र बल्कि अभिभावक और शिक्षक भी इसका इंतजार करते हैं। छात्र मानते हैं कि इस संवाद का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने स्वयं में बहुत से सकारात्मक बदलाव अनुभव किए हैं। परीक्षा पे चर्चा
That has been really a good opportunity for me to learn a lot of tips and tricks to deal with the stress. And till now, till date, I really understood what it is to deal with the stress actually in matters. So it really helped me a lot and it was a golden opportunity for me. प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा ने छात्रों को परीक्षा को नए नजरिए से देखना सिखाया है। इस संवाद ने परीक्षा को नंबरों और पास फेल के खेल के बजाय ज्ञान अर्जित करने की यात्रा में एक सार्थक पड़ाव के तौर पर लेने का संदेश दिया है। यही वजह है कि आज इससे देश के छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने, उन्हें अधिक जिज्ञासु बनाने और ज्ञान को हासिल करने के नए नए तरीके खोजने की प्रेरणा मिल रही है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 से 26 जनवरी तक पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज राजधानी लखनऊ में समारोह का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु बन रहा है। प्रदेश दुनिया में विशेष स्थान बना रहा है। उन्होंने कहा कि 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके बाद भी प्रदेश को प्रश्नवाचक के रूप में देखा जाता रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया। आज हम 7वें स्थापना दिवस से जुड़ रहे हैं। 7वां स्थापना दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की दूसरे स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 24 जनवरी 2019 हम लोगों ने अपने परंपरागत शिल्पी और कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम में उन हस्तशिल्पियों और कारीगरों की ट्रेनिंग भी था, उन्हें सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी था, उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने दो कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़ाए। आज ये दोनों योजनाएं देश के अंदर अपना धूम मचा रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पूरे देश के अंदर पीएम विश्वकर्मा के रूप में आज धूम बचा करके हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए तैयार है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राजधानी दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ किया। गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और हमारे देश को बांधने वाले साझा मूल्यों का उत्सव मनाना है। हमारा संविधान का सबसे बड़ा सम्मान हम तब कर सकते हैं जब नागरिक की हैसियत से 24/7 हम भारत मां की सेवा में लगे रहें। हमारे देश की प्रगति एक इतना महायज्ञ है, इस महायज्ञ में हर किसी के आहुति की आवश्यकता है। संस्थागत आहुति आएगी पर सबसे बड़ा योगदान आम नागरिक का है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। ठाकुर एक जाने माने समाजवादी नेता थे। कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता के कारण उनके जननायक उन्हें कहा जाता है। सामाजिक न्याय समता और असमानता को लेकर उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता रहा है। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून
1971 और 24 जून 1977 से 21 जून 1979 के दौरान दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पिंथोजिया कर्पूरी ग्राम में हुआ था। मैट्रिक पास करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर कूद पड़े। इसके बाद समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की घोषणा के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि गरीबों और कमजोरों के लिए काम करने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पहले ही मिल जाना चाहिए था। 23 जनवरी को जो बिहार में गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, सामाजिक न्याय के देवता कहे जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले आरक्षण व्यवस्था लागू किया, जिन्होंने पिछड़ों को भी आरक्षण दिया, महिलाओं को भी आरक्षण दिया, सामान्य वर्ग के गरीबों को भी आरक्षण दिया, ऐसे कर्पूरी ठाकुर जो दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे उनको यह सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था। लेकिन विशेष तौर से अति पिछड़े वर्ग से आने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कल 23 तारीख को ही उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर भारत रत्न देने का जो ऐलान किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मोदी जी का बार बार मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने यह फैसला लेकर के गरीबों में यह आस जगाई है कि जो जिस सम्मान के अधिकारी हैं वह सम्मान उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही देते हैं, दिए हैं। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के? एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है? अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए। आरबीआई के ऑम्बड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में लगातार भक्तों की कतार बनी हुई है। मंदिर में कतार प्रणाली को कैसे बेहतर किया जाए, इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बैठक कर रणनीति बनाई है, अब कोई असुविधा नहीं हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु जो कल सुबह के टाइम में आए थे और जिसकी वजह से थोड़ी कतारें लंबी थी और लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा था दर्शन के लिए, उसको उससे समस्या के बारे में उपाय ढूंढने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कल यहाँ आए थे। उन्होंने सभी संबंधित के साथ यहाँ पे ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ भी विस्तार से चर्चा की गई और इसकी समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किया सकते हैं उसके बारे में उनके द्वारा निर्देश दिए गए। और मुझे आपको ये बताना है कि कल जो प्लान जो बनाया गया था उसको रात में एग्जीक्यूट किया गया है। यहाँ क्यों आप देख सकते हैं क्यों लगाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, साथ में जो पब्लिक का जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसको भी रात में एक्टिव किया गया है। और अब जो है हमारे जो इतने श्रद्धालु हैं वो फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से वहाँ पे अपने सामान वगैरह जमा करके और फिर बहुत आराम से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। वहीं अयोध्या में श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो इसके लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि बेहतर भीड़ प्रबंधन और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्राउड कंट्रोल तथा बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, ये दो चीजें थी जो कल हम लोगों ने यहाँ आने के बाद से इसको सुनिश्चित कराई। शासन के निर्देश थे कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो, इसको सुनिश्चित कराया गया। और आज जो भी प्रबंध रात भर में विभाग अंतर विभागीय समन्वय से ट्रस्ट के साथ संपर्क बना के हम लोगों ने किया था उसके बड़े अच्छे और सुखद परिणाम आपको खुद देखने को मिल रहे हैं कि कोई भी वेटिंग में क्यू नहीं है, कोई वेटिंग एरिया में आदमी को विथहोल्ड नहीं किया जा रहा है। सभी जो क्यू की जो कतारें थी लोगों को निश्चित अपने क्यू में लगा दिया जा रहा है और अनवरत
दर्शन चल रहा है। दर्शन के बारे में ट्रस्ट से ये बात हुई है कि भोग के समय 15-15 मिनट के लिए दो बार इसको रोका जाएगा और पूरा दर्शन अबाधित तरीके से चलता रहेगा। और फिलहाल जब तक ये क्राउड है उसके बाद से समय समय पे जो ये सारा प्रबंधन डायनेमिक रहेगा। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर लोगों के लिए खुलने के बाद अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अवधपुरी राममयी हो गई है। देश विदेश से भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रामलला की एक झलक पाने के लिए जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान अवधपुरी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का हवाई सर्वेक्षण भी किया। यहां रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो ऐसे लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में खुशी की लहर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा संप्रदाय है जो सबसे बड़ा राम भक्त कहलाता है। ये संप्रदाय अपने पूरे शरीर पर श्री राम नाम गुदवाता है और सबको रामराज का संदेश भी देता है। हो गई लगभग 500 वर्षों से अधिक का इंतजार खत्म हो गया। रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गए। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ में राम नामी ऐसा संप्रदाय है जो अपने शरीर पर राम नाम का गोदना कराता है। राम इनके रग रग में समाये हैं। भगवान राम की भक्ति में दिन रात लीन रहने वाले छत्तीसगढ़ के राम नामी अपने शरीर को ही मंदिर मानते हैं। वो अपने शरीर पर राम नाम गोदवाकर सबको राम राज का संदेश देते हैं, समरसता का संदेश देते हैं। राज्य के सत्ती जिले के जयजयपुर में इन दिनों रामनामी मेला चल रहा है। इस मेले में आए गुलाराम रामनामी ने बताया कि लगभग 150 साल पहले ही उनके पूर्वजों ने बता दिया था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शुक्ल पक्ष की एकादशी से त्रयोदशी के बीच होगी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में विराजमान प्रभु राम की मूर्ति पर सुशोभित आभूषण बरेली के सुनारों ने तैयार किए हैं। बरेली के मशहूर ज्वेलर्स मोहित मित्तल को अयोध्या बुलाया गया और ट्रस्ट द्वारा आभूषण बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मोहित ने बताया कि 2 जनवरी को उन्हें बुलाकर गहने बनाने का ऑर्डर दिया गया। अयोध्या ट्रस्ट के मेम्बरों ने इच्छा जताई कि प्रभु राम के सारे आभूषण बरेली के ज्वेलर्स बनाए और इसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया। इस काम में 70 कारीगरों को लगाया गया। सभी कारीगरों ने रोजाना 19 से 20 घंटे रोज काम किया और लगभग 15 दिन में सभी आभूषण तैयार हुए। प्रभु राम के आभूषण के अलावा धनुष और तीर भी सोने के हैं। रामलला के आभूषण बनाने के लिए 14 किलो सोना, 18,500 हीरे लगे हैं और 3,000 मानिक भी लगे हैं। 650 के आसपास पन्ना भी लगे हैं। समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।